तो आज हम बात करेंगे ऐसे ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर के बारे में कि अगर उनसे तुम टिप्स ले लिए तो समझ लो ओलंपिया ये सब जो भी होता ना वो सब में तुम्हें झाड़ू लगाने की नौकरी तो पक्का मिल जाएगी। पर उससे पहले हम देखेंगे एक ऐसा बंदा जो इतने डेंजर चीजें सोच लेता है, मतलब कैसे, आखिर तुम पहले देखो। अगर ग्रेविटी पृथ्वी के हर वस्तु पे काम करती है, किसी भी चीज को ऊपर फेंकने पर नीचे खींच लेती है, तो ग्रेविटी हवा पे काम क्यों नहीं करता है, उसे नीचे क्यों नहीं खींचता है? क्या है, सोचने वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। साले जमीन पे ना ऐसे करके सो जा, बैठ के ऐसा पा दूंगा सारी हवा नीचे चली जाएगी। जब विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे अमीर क्रिकेटर दौड़ कर रन क्यों लेते हैं? ये तो बड़ा गाड़ी खरीद कर भी रन ले सकते थे, क्या यह सोचने वाली बात नहीं है? जब मैं तेरे गांड में AK-47 डाल के चीथड़ी उड़ा सकता हूँ तो मैं अपना हाथ से तुझे मार के क्यों खराब करूँ? अच्छा, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अब मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। जब तू नंगा बैठ के पॉडकास्ट कर सकता है तो तूने कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये सोचने वाली बात नहीं? जब हम पैदा लेते हैं कि पैदा होते हैं? नहीं, अपने मन से ले लिए भाई पहला इसकी। पैदा लेते हैं तो उस वक्त शुभ मुहूर्त क्यों नहीं देखा जाता है, जबकि शादी, विवाह, छठी और गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम को करने के लिए शुभ मुहूर्त क्यों देखा जाता है? ये सोचने वाले बात नहीं है? यार ये बिल्कुल सही बोल रहा है, इसके पैदा होते वक्त ना शुभ मुहूर्त देखना चाहिए था, नहीं देखा इसलिए ऐसा बकचोद पैदा हुआ है। पता नहीं क्या खाता है जो ऐसे ऐसे सवाल इसके दिमाग में आते रहते हैं। 10th में ज्यादा नंबर लाऊंगा, नहीं 12th में ज्यादा नंबर लाऊंगा, ऐसे ऐसे सवाल सोचूंगा दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। अगर मनुष्य बंदरों से डेवलप हुए हैं तो आज के बंदर अभी भी बंदर कैसे हैं? सोचने वाली बात नहीं? मैं बताता हूँ ना कैसे हैं आज के बंदर, बंदर ऐसे हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ बंदर डेवलप नहीं हुए, वो बंदर ही रह गए, लेकिन कोई कोई तो यार डेवलप होके भी अभी तक बंदर ही रह गया। एक च्युइंगम में 10 कैलोरीज होते हैं, तो उन कैलोरीज को पाने के लिए उसे चबाना है या निगलना है? वे गांडू, उन्हें निगल जा, ठीक है, निगल जा, तेरे को 10 क्या 100 कैलोरी मिल जाएंगे, पीछे जाके प्लस तरह कर देगा, खाना ही नहीं पार होगा साले, जाम हो जाएगा पीछे। इंग्लिश वी से टुमारो, हिंदी में हम इसे कहते हैं कल। इन इंग्लिश वी से यस्टरडे, हिंदी में हम इसे कहते हैं कल। व्हाई? क्या हिंदी में भी दो अलग अलग वर्ड नहीं होने? यही होता है जब तुम 7 दिनों में इंग्लिश सीखते हो। हाउ टू लर्न इंग्लिश इन 7 डेज? 7 दिन में कौन इंग्लिश सीख जाता है भाई? टुमारो मतलब कल, और यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, पीछे वाला। जब लोग बेहोश हो जाते हैं तो उनकी सांसें कैसे चलती है? क्योंकि वो तो बेहोश है तो वो सांस कैसे ले सकते हैं? लगता है भाई ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्किप कर दिया, क्योंकि वो तो सिलेबस में था नहीं। अरे यार मेरे टाइम में भी नहीं था, पर मैंने पढ़ा था यार, थोड़ा बहुत पढ़ा था, पढ़ा दिए थे सर, वैसे सर का नाम याद नहीं आ रहा है, किसी को याद होगा तो कमेंट करना यार, स्कूल वाला कोई देख रहा होगा दोस्त या सब। तो हम लिक्विड आइटम्स को पीते हैं और सॉलिड आइटम्स को खाते हैं, तो सिगरेट तो एक सॉलिड है, उसे पीते कैसे हैं? नहीं नहीं, तू खा, तू पी मत, तू सिगरेट खा, यही सही है, तू सिगरेट पिएगा तो भाई डंटे पड़ेंगे गांड पे, सिगरेट खा और उसके बाद अगर तू गांड से धुआं निकालता रहेगा ना भाई तो तेरी बात कर दूंगा। ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड क्यों कहते हैं जबकि वो तो पूरा बर्फ से ढका हुआ व्हाइट है? क्या उसे व्हाइट लैंड नहीं कहना चाहिए? अच्छा तो मेरे लैंड को लैंड क्यों कहते हैं जबकि वो तो ब्लैक लैंड है? अरे जिला के खैर, पूनम पांडे क्या स्टैंड था यार, मतलब मैंने जब उसका खबर पढ़ा ना, RIP पूनम पांडे, दिल से बुरा लगा था यार, मैं सोच रहा था ये कैसे हो गया, कितनी बढ़िया लड़की थी ये वो, फिर पता चला कि उसने फेक किया। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार देखो उसके लिए मैं बुरा फील कर रहा था कि ऐसे हो गया, लेकिन जब पता लगा कि वो जिंदा है तो बहुत मज़ा आया यार, मज़ा आया मतलब
मजा आया। साले ये एक्सरसाइज ज्यादा दिन कर लिया ना तो पीछे से पूरा चपटा हो जाएगा। क्या मतलब भाई को टट्टी बहुत कस के लगी थी, उसी को अंदर करने के लिए वापस। क्या बोलता हूँ यार, भाई को पता नहीं यू पैक्सु पैक्सु करके कौन सा एनर्जी अंदर से आता है। जिम जाने से पहले क्रिएटिन लूंगा, नहीं। जिम जाने से पहले दूध पीऊंगा, नहीं। जिम जाने से पहले ग्लूकोन डी लूंगा, यू पैक्सु 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 करके जाऊंगा तो ज्यादा वेट मार पाऊंगा। तो भाई मैं तुझे एक टिप देता हूँ, इस बार सिलेंडर के जगह ना सीधा एक ट्रक के सामने जाके खड़ा हो जाना और वो पीछे से आएगा यू पैक्सु 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 उठा। खैर देखो, फिटनेस इन्फ्लुएंसर और मुझ में बस एक ही फर्क है, मैं सेंस वाली बातें करता हूँ। सोचने वाले पॉडकास्ट होते हैं ना भाई, वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। वो अगर तुम डेली कंज्यूम करोगे ना तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो इतना शार्प हो जाएगा, इतना शार्प हो जाएगा कि वो काम करना ही बंद कर देगा। खैर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यू पैक्सु पैक्सु पैक्सु, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यू पैक्सु पैक्सु पैक्सु, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। धन पैक्सु पैक्सु पैक्सु।